सो हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोई भी मोड और एड ऑन वगैरह की फाइल नहीं देने वाला हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक टूर के ऊपर लेके जाने वाला हूं, जिसके अंदर अपन चलेंगे आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेटअप के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है, उसका जो सेटअप होता है वो गोकुलधाम सोसाइटी है। तो आज अपन जो गोकुलधाम सोसाइटी है उसका सेटअप टूर करने वाले हैं। तो चलिए अपन जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चलते हैं एडवेंचर ट्रिप के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, आप लोगों के सामने जो गोकुलधाम सोसाइटी है वो आ चुकी है। यहाँ पे देखिए जो इसका एंट्रेंस है ये है। यहाँ पे देखिए अपने माइनक्राफ्ट के अंदर हैं अपन, और माइनक्राफ्ट के अंदर अभी अपन यहाँ पे आए हुए हैं गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। अपने को जो बबीता जी है उन्होंने बुलाया है यहाँ पे, तो अपन चलते हैं सीधा अपने अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उनका मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, ये वाला। अंदर आते ही आप लोगों को यहाँ पे जो चमको लॉन्ड्री है वो शॉप यहाँ पे दिख जाएगी, जहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह का काम होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वो शॉप है जहाँ पे जितने भी गोकुलधाम सोसाइटी के आदमी होते हैं वो बैठ के सोडा वगैरह पीते हैं। और इस साइड के अंदर एरिया में देखिए एक कैफेटेरिया टाइप में बना रखा है, जिसके अंदर आप लोग आराम से बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग यहाँ से हॉट डॉग और बर्गर वगैरह भी ले सकते हो ऑर्डर करके। उसके अलावा इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्टोर रूम का जो गेट है वो दे रखा है। लेकिन अपने को क्या करना है, इसके अंदर की साइड चले जाना है। अंदर की साइड ये देखिए, ये है गोकुलधाम सोसाइटी का मेन गेट, जिसकी मदद से अपन जो गोकुलधाम सोसाइटी है उसके मेन एंट्रेंस के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं गाइस, जो गोकुलधाम सोसाइटी है वो आ चुकी है, जहाँ पे आप लोगों को दिखाई देते हैं पूरा का पूरा जो सेटअप है वो। और उसके सामने जो ये एक एक्स्ट्रा मेन गेट है, जिसके अगर कई बार ये गेट बंद रहता है तो इसकी मदद से भी अपन अंदर जा सकते हैं। इस साइड के अंदर अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पे देखिए पार्किंग वाला एरिया दे रखा है। ये जो देखिए यहाँ पे जो ब्रिक्स वाला जो पाथ बना रखा है, ये जॉगिंग के लिए बना रखा है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए घास वगैरह उगा रखी है, फूल पत्ते उगा रखे हैं, यहाँ पे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, ताकि जो ग्रीनरी है वो बनी रहे यहाँ पे। तो गाइज, अगर आप लोग भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखते हैं और पसंद करते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उसके अंदर। मेरा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टप्पू के पापा मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। आप लोग भी बता सकते हो आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है वो कौन सा है। तो चलिए अब आप लोगों को मैं जो गोकुलधाम सोसाइटी का जो मंदिर वाला एरिया है वो मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो कृष्ण जी, गणेश जी और शिव जी की जो मूर्ति है वो लगी रहती है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, अगर आप लोग भी महाकाल के बहुत बढ़िया फैन है तो यार नीचे जाके जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, महाकाल का नाम लेके उसको सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि आप लोग महाकाल के फैन हो और आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, तो महाकाल की कृपा दृष्टि मेरे चैनल के ऊपर भी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अपन जो गोकुलधाम सोसाइटी है उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। इस साइड में अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए जो सोसाइटी का जो ऑफिस है वो दे रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो भेड़े मास्टर वो बैठते हैं। आप लोगों को बताओ कि आप लोगों को जो भेड़े मास्टर क्या वो पसंद है। यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं, जहाँ पे वो अपना डेली का जो स्लोगन वगैरह है वो लिखते रहते हैं, प्रवचन, जिनको बच्चे लोग मिटा देते हैं बाद के अंदर, बच्चे लोगों को पसंद नहीं है। इस साइड के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेहता साहब है उनका घर है, जो कि आप लोगों को पता है कि जो टप्पू के पापा हैं उनके बहुत बढ़िया फ्रेंड है वो। एक लौते ऐसे फ्रेंड है जो कि उनके हर चीज़ में साथ देते हैं। इस साइड के अंदर अपन देखें तो ये है बबीता जी का घर, जहाँ पर आप लोगों को पता है इसी जगह पर खड़े होकर जो जेठालाल है वो उनको हाय वगैरह बाय वगैरह करते रहते हैं। आप लोगों को पता होगा यार, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है उस सीन के अंदर, जब भी वो यहाँ पे खड़े होकर ऊपर बबीता जी आती है और उनको हाय करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जबकि दया भाभी को नहीं करते वो ऐसा। और इस साइड में अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेयर्स आ चुकी है, जहाँ से अपन जो है जेठालाल जी के जो घर है उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है नेम बोर्ड के ऊपर, जेठालाल सी गढ़ा। तो आप लोगों को पता है कि उनका जो गोत है वो गढ़ा है, और यहाँ पे उनका नाम जो है वो जेठालाल है। इस साइड में जाएंगे तो अपन उनके घर के एंट्रेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को इंटीरियर का विजिट नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी इंटीरियर का काम जो है अभी चल रहा है। तो जैसे ही इंटीरियर का जो काम वो खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों को इंटीरियर का भी विजिट करवा दूंगा। और गाइज, आप लोग भी अगर जो गोकुलधाम सोसाइटी वाला मैप अगर अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो मैप है ये काफ़ी अच्छा मैप है, आप लोग इसे अपने सर्वाइवल के अंदर खेल सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में सर्वर क्रिएट करके मल्टीप्लेयर में भी खेल सकते हो, काफ़ी मजा आएगा। आप लोगों को बस करेक्टर के जो नाम वो यहाँ पे चेंज कर लेने अपने अपने, जैसा कि आप लोग तारक मेहता में जो करेक्टर के नाम दिखते हैं वो यहाँ पे रख लेने हैं, और उसके बाद में ये भी गेम इसको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे अगर अपन इस घर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये जो रिटायर रिपोर्टर का घर है, जो कि आप लोगों को पता है कि जो रिपोर्टर हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों को जो मैंने रिटायर रिपोर्टर है उनका घर दिखा दिया। इस साइड के अंदर अपन आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो हाथी भाई है उनका जो घर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ भी है नेम प्लेट के ऊपर, डॉक्टर हंसराज हाथी। आप लोगों को पता है कि हाथी भाई यार काफ़ी बढ़िया आदमी है इसके अंदर तारक मेहता के उल्टा चश्मे में। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा, सीढ़ियों से आप लोग ऊपर के जो फ्लोर है वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीरियर का अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इंटीरियर का काम अभी बाकी है। यहाँ पे देखिए क्रीपर आ चुका है, यहाँ पे इसको मार देते हैं जल्दी से, क्योंकि क्रीपर तो भाई देख खराब कर देता है सारी चीज़ें।
बाकी तुम अभी क्रिएटिव में हो तो मेरा कुछ नहीं उखड़ पाएगा, लेकिन इसको फिर मार देते हैं, चलो कोई नहीं है। इस साइड के अंदर अपन आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा जो अपने टेलर साहब है उनका घर, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तैयब टेलर, तो आप लोगों को पता है कि जो अपने तैयब भाई हैं वो यहाँ पे रहते हैं, इस साइड के अंदर उनका घर है। और इस साइड में आप लोगों को पता है कि जो भीड़े भाई है उनका भी घर है, तो जहाँ पे वो अपना ट्यूशन कराते हैं। तो यार ये जो मैप है मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोगों को विजिट करवा के भी मेरे को काफ़ी मज़ा आया। और आप लोगों चलो मैं जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी जो शॉप है वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को उसका भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए अपन बाहर की साइड चलते हैं। गाइज ये जो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहे हैं ये सेटअप टूर है, जैसा कि आप लोगों को वहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जैसा कि रियल में सेटअप होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। गाइज ये है सोडी भाई का गैराज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनका गैराज है, जो सोडी भाई है वो गैराज के अंदर काम करते हैं, उनका खुद का गैराज है। इधर की साइड में अगर अपन चलते हैं, चलिए उड़ा उड़ा के जल्दी से चलते हैं क्योंकि आप लोगों की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे फिर है नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे ये जो दुकान है ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, यहाँ पे अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इस साइड के अंदर जो अपने जेठालाल है वो बैठते हैं, और इस साइड के अंदर उनका जो स्टाफ है वो बैठा रहता है। आप लोगों को यहाँ पे देखिए फ्रिज वगैरह भी देखने मिल जाएगा, अगर आप लोगों को फ्रिज खरीदना है आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे देखिए गोल्ड वगैरह के फ्रिज भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है सोडी गैराज, और यहाँ पे देखिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। उस साइड के अंदर अगर अपन चले तो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो पुलिस स्टेशन है वो भी उसके अंदर है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन का सेटअप बना रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे देखिए ये पुलिस वालों की गाड़ियाँ हैं और ये पुलिस स्टेशन है। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो सेटअप है, गोकुलधाम सोसाइटी का जो सेटअप है, आप लोगों को देख के काफ़ी मजा आया होगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को इसे डाउनलोड करना बता दूंगा कि आप लोग कैसे इसे डाउनलोड करोगे। और इसके अलावा जैसे इंटीरियर का जो काम है वो खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को जो इंटीरियर है उसका भी विजिट करवा दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है, महाकाल का नाम लेके सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे ऊपर भी महाकाल की जो दृष्टि है वो बनी रहे। उसके अलावा बाकी आप लोगों को जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल के ऊपर सेट कर देना है, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग जो वो वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंटीरियर विजिट कराऊंगा तो आप लोग वो वीडियो मिस ना कर सको। तो चलिए आज की वीडियो बस मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।